Hi all friends, in today's class we have learnt about the three skills of NLP, and that is the knowledge, attitude and skills. That is, without the all three, it's hard to progress and it's hard to grow. And for that all thing, we need change and the flexibility that promotes the change. That's all for today. Thank you. Happy morning, and myself, Payal Jagrut Shroff. So I'm here today to let you all know what we did about NLP on day 1 and day 2. So let's start with day 1. Day 1 was all about introduction about the neuro-linguistic program, and I'm so proud about it to enroll myself with Dr. Yogini Sai, who's so I really look up to her, you know, because she simplifies the program in such a manner that it's beautiful, that any layman person could easily understand. So coming to the day one learning was all about repairing, you know, the more you repair your mindset, the more you erase your memories, the more you will be into a win-win situation. Okay, so that was about day one. Let's come to day two. Day two is all about three operating points that we've learned. The very first point is about the change, you know. So embrace the change to have a win-win situation. Be flexible. So I would relate that with the flow of the water. Be flexible, just go with the flow of the water, and just be open with the unknown that's coming ahead, and that's the beauty of life. I would connect that personally with the change formula number one, and the second was flexibility. Yeah, so that's again a connection with the water element. If you be... Hello, good morning friends. My name is Suhas Kapse. Day to the learning, I have two points. One is be a good listener. सामने वाले को अच्छी तरह से सुनो, उसके बाद उसको रिएक्शन। सेकंडली, बी फ्लेक्सिबल इन रिक्वायर्ड सिचुएशन। जब जब भी आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, उस समय फ्लेक्सिबल हो। साथ में आपका जो एटीट्यूड है उसको, बेसिकली व्हाट इज एटीट्यूड, जो मैं समझा हूँ कि इट इज़ अ बेसिकली द रिएक्शन इन दैट। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अरुणजीत कौर, एंड थैंक यू मैम ये टास्क देने के लिए। इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट थ्री स्किल्स, थ्री कीवर्ड्स टू सक्सेस। वन इज नॉलेज, सेकंड इज एटीट्यूड, एंड थर्ड इज स्किल। फर्स्ट नॉलेज, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज यूजलेस। एंड सेकंड स्किल वाज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अर बिहेवियर एंड अर रिएक्शन टू अ सिचुएशन। हाउ वी रिएक्ट टू अ सिचुएशन डिसाइड अर रिजल्ट्स। So we have to be flexible, we have to always be ready to accept the change, be adaptable and be flexible. जो हमें चाहिए, और NLP completely हमारी thought process पे काम करता है, और NLP पे जब हम काम करते हैं तो हमें change और practice, ये दोनों चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कैसे change लाके कुछ नया कर सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि जो इंसान चेंज नहीं लाता है वो वहीं रुक जाता है। मैंने जो सीखा वो मुझे उसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आया कि मैम ने जो हमें सिखाया जिस तरीके से कि हाउ टू इरेज आवर बैड मेमोरी, आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचना है, हाँ, और हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ आती है उसे हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, चाहे वो हर्डल्स हो, चाहे बहुत अच्छी परिस्थिति हो, बैड कंडीशन हो, उसे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमारा सबके साथ कैसा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, न्यू चेंज हमने कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल कैसे होना चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। तो कहते हैं ना, सफलता का राज घर से ही शुरू होता है, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं ही खुद अपने पहले घर से ही इम्प्लीमेंट करूँगी। एंड थैंक यू सो मच योगिनी मैम फॉर योर लवली टीचिंग्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अलावत।
आज का सेशन, आज का जो एनएलपी का सेशन था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, उसमें मैम ने, योगिनी मैम ने आज हमें एनएलपी के, लेकिन अगर हम बोले कि सिर्फ एक ही चीज से हम सक्सेस हमें मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है, हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैम ने बताया, आज का मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो मैम ने जो बताया कि चेंज बहुत जरूरी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, या सब कहेंगे ये तो हम सबको ही पता है कि चेंज बहुत जरूरी है, लेकिन इतना हम कह तो देते हैं, बट चेंज। मैंने आज सीखा एनएलपी का फुल फॉर्म तो पता था, पर एनएलपी का फुल फॉर्म बोलना पता चला। और दूसरा चीज सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में तीन चीजें थी जो सबसे पहले थी, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। ये सब कुछ सुना तो था पहले, बट आज थोड़ा सा डीपली समझा और उसके बाद काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ सीखना बाकी है। और हाय, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता डाफड़े। सबसे पहले मैं मैम को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहती हूँ। मैम की वजह से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मुझे, और ऐसे लग रहा है कि सब कुछ पता है, लेकिन जो पुश करने वाला चाहिए ना लाइफ में, जिससे हम थोड़ा आगे बढ़ सके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो रोल जो है वो मैम प्ले कर रही है मेरे। जब से मैम का सेशन अटेंड कर रही हूँ, मैम के साथ जुड़ी हूँ, तब से थोड़ा मेरा लिसनिंग का जो है वो मैंने काफी हद तक डेवलप किया है। अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं 70% तो सामने वाले का पहले सुनती हूँ, फिर अपना बताती हूँ, क्योंकि मुझे इतना स्पेशन नहीं है कि मैं सामने वाले का सुनू करके। सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो मैं उसमें से तुरंत कैच करती हूँ और फिर मैं बोलना चालू करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ। वो तो बोल रहे थे कि इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे तो। अगर आप वही पुराने जमाने में रहोगे तो कुछ मतलब नहीं है। आजकल का जमाना कहाँ आगे बढ़ गया, बहुत आगे चले गए, और अगर हम पुराने जमाने में रहेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो चेंजेस लाइफ में होने चाहिए, और चेंजेस अगर लाइफ में आएंगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप